अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सलमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड, वनीला फ्रूट कस्टर्ड। चलिए इंग्रेडिएंट देखिए। एप्पल मॉस, अंगूर, अनार, मिल्क मेड, कंडेंस्ड मिल्क, कस्टर्ड पाउडर, वनीला एसेंस, हाफ लीटर दूध, 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, हाफ कप शक्कर। चलिए आधा लीटर दूध को बॉईल करते हैं। आपको कितना दूध चाहिए उतना डालिए। आपको जितना बनाने का है उतना डाल सकते हैं आप। अभी तो मैं ट्रायल के लिए हाफ लीटर डाल के बना रही हूँ रेसिपी के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा दूध डाल सकते हैं। दूध में दूध थोड़ा लाइट कुनकुना हुए तक गर्म कीजिए। दूध में शक्कर डालें हाफ कप। आपको जितना चाहिए उतना कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क डालें तो शक्कर कम कीजिए। डालें तो शक्कर कम कीजिए, इसमें शक्कर रहती, मीठा रहता है ये चीज। आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं आप। ये शक्कर कम कीजिए। मैं कोई और कम दिखा तो मैं और थोड़ा डाल रही हूँ इसमें। मीठा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आप खाते हैं मीठा उतना। आधा चम्मच उतना वनीला एसेंस डालिए। वनीला एसेंस बाजार में मिल जाती है आसानी से, नहीं तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा लाइट दूध लेके कंडेंस्ड मिल्क में मिला के दूध ज़्यादा बॉयल होने के टाइम पे डालिए। इसमें कंडेंस्ड मिल्क में कस्टर्ड पाउडर में लम्स नहीं आना। ठंडे दूध में भी डाल सकते हैं आप। ये दूध ज़्यादा गर्म नहीं है इसलिए मैं डाली। लम्स नहीं आए तक इसको मिला चलाते रहिए। ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा होने आया तो 5 मिनट स्लो फ्लेम पे रख के मिक्स करिए। और टेस्ट शक्कर का टेस्ट देख लीजिए, आपको जितना चाहिए उतना, नहीं तो मिल्क मेड भी मिला सकते हैं आप इसमें। थोड़ा गाढ़ा होने आए तक, एक बॉल आने आए तक मिलाते रहिए, नहीं तो लम्स पड़ जाता है उसमें। लम्स नहीं आना उसमें, देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है। एक बॉयल होने आया, फ्लेम स्लो कर दे के हाफ करके इसको थोड़ा ठंडा होने दे के हाफ एन आवर रेफ्रिजरेटर थोड़ा ठंडा करके बाहर रेफ्रिजरेटर में रखिए। उसके बाद सर्व करने के लिए फ्रूट मिक्स करिए। जो फ्रूट अपन रखे थे आपके पास, जो भी फ्रूट अवेलेबल है आपके पास, जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो फ्रूट डाल सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छे अच्छे रेसिपी देखना रहा तो कमेंट करके बोलिए। प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिए।